हाँ जी, काइंडली मुझे एक बंदा बता दे कि स्क्रीन शो हो रही है और वॉइस क्लियर आ रही है। चले, हमें क्या चाहिए यहाँ पे? एक्सेल। तो आज हमने एक अटेंडेंस शीट बनानी है जो आप किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको मेथड सिखाया जाएगा, चाहे आप स्कूल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बना लें, चाहे आप टीचर्स के लिए बना लें, चाहे आप किसी कंपनी के एम्प्लॉयर के लिए बना लें। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप किसके लिए ये अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं, एम्प्लॉय की बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद उसका नेम चाहिए होता है, ठीक है, उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन, अच्छा यहां से अगर हमने इसको बड़ा करना हो तो हम यहां से पकड़ के, यहां से जितना हमें ये चाहिए इतना हम बड़ा कर सकते हैं यहां से, ठीक है। डेजिग्नेशन हमने इस सेल में पूरा लेके आना है, तो यहां से ऊपर से पकड़ के हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहां पर हमें चाहिए मंथ, ठीक है, डेट, डेट हमें चाहिए, ठीक है। तो जिस मंथ की आपने बनानी है, सबसे पहले आप ऊपर उसकी वो दे देंगे, चले वो हम बाद में बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने डेट लिखनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक डेट का यहाँ से फॉर्मेट जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। नीचे जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट्स में, और यहाँ पे आके हम सिलेक्ट करेंगे डेट को, और यहाँ से हम कोई भी डेट जो है वो सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। ये सेल में हुआ है, चले हमें इसमें चाहिए, इसमें करना है, ठीक है। चलिए ऐसा करें, सिंपली आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहले आप डेट लिख लें, जैसे मैं लिख रही हूँ ये हमारे पास है जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2023, इंटर प्रेस कर दें, ठीक है, ये डेट आ गई हमारे पास। अब ये डेट है, मैं क्या करना चाहती हूँ कि मैं इस डेट में, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इसमें डेट चाहिए, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, एक से लेके मुझे एक महीने में जितने दिन होते हैं वो हम मुझे चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने जस्ट यहाँ पे डे लिखना है, तो यहाँ पर जाएंगे डेट में मोर नंबर फॉर्मेट्स में, और यहाँ पर आके मैं क्या करूंगी, कस्टम करूंगी, और यहाँ पर आके सिंपली यहाँ पे ये देखिए, ये मंथ है, ये डे है, और ये ईयर है। तो यहाँ पे मुझे जस्ट चाहिए डे, तो मैं जस्ट यहाँ पर लिखूंगी डे, तो यहाँ पे मेरे पास जस्ट डे आ जाएगा, ठीक है। आप जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 या 30, तो वो हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे, ठीक है, 12 13 14, ये नीचे लिखते आ रहे हैं कितने हमें चाहिए, हमें चाहिए 30 30 30 कर लेते हैं, ठीक है, 30 31 है, ठीक है, इसमें 31 है। अब ये देखें 31 तक जो है हमने इसको ड्रैग कर लिया, ठीक हो गया। अब यहां पर एक और रो लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर मैं चाहती हूं कि ये डे यहाँ पे मेंशन हो, और ऊपर क्या हो, इनके डे, ये एक डेट पे कौन सा दिन था, दो डेट पे कौन सा दिन था, मैं चाहती हूँ वो हो। तो ऊपर सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक रो लेनी है, इंसर्ट करवा लें रो, ठीक है, इंटायर रो हम इंसर्ट करवा लेते हैं। तो ये हमारे पास एक रो आ चुकी है। अब यहाँ से मैंने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, मैं क्या करना चाह रही हूँ, ये मेरे पास क्या है, डे है,
ठीक है, ऊपर पूरा फॉर्मेट नजर आएगा आपको, ठीक है। ये 1 जनवरी है 2023, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 2 जनवरी। ये 1 किसको कर रहा है, मंथ को काउंट कर रहा है। तो यहाँ पर आएंगे ऊपर, यहाँ पे हमें डे चाहिए या नीचे डे चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऊपर लेना चाह रही हूँ। यहाँ पर क्लिक करके हमने क्या करना है, सिंबल यहाँ पर आ जाना है नंबर में, और यहाँ से आके हमने क्या करना है, मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाना है। यहाँ से टेक्स्ट ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट भी ये टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। दो दोनों तरीके से कर सकते हैं, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट। तो ये हमारे पास टेक्स्ट आया, यहाँ पे क्लिक करके हम कीबोर्ड से कौन सी की प्रेस करेंगे, टैब की। टैब की प्रेस किया तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर देनी है हमने वैल्यू, वैल्यू हमने कौन सी देनी है, ये वाली, ये कौन सी है? हमारे पास डी, और हमें किसकी चाहिए, टू की। D2 लिखेंगे, D2 लिखेंगे, और फॉर्मेट में हम क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर 3 दफा हम क्या लिखेंगे, DDD। तो हमारे पास ये डे आ जाएगा, ठीक है। यकम को क्या है, यकम जनवरी को क्या है, संडे, ठीक है। और मैं ये 2003 की बना रही हूँ, आपने 2024 की बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डे जो है ले लिया, इसको क्या करना है, यहाँ से जस्ट सिंपली पकड़ के आपने ड्रैग करना है, तो पूरे मंथ का आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, वैसे मैं साथ साथ बता दिया करें। हमने क्या किया है, हमने पहले डे लिए, ठीक है, और डे मैंने ऐसे ही नहीं ले लिए। अगर मैं सिंपल खुद यहाँ पे 1 2 3 काउंट करूंगी ना, तो फिर ये तो एरर आएगा, ये तो कोई अटेंडेंस शीट ना हुई। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए उसके डेट जो है, डेज जो है, डेट के अकॉर्डिंग खुद ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट होते जाएंगे, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे। अब इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि संडे को, संडे कब है, ठीक है, अटेंडेंस शीट में। तो संडे की आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे संडे के लिए हम अटेंडेंस नहीं लगाते, ठीक हो गया। अब आप उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जहां जहां पे संडे है आप वहां पे क्या करते हो, अटेंडेंस नहीं लगाते, ठीक है। ये आपको बात जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट इसके ऊपर हम एक और रोल लेते हैं। हम ये चीज जो है ना, ये इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर। अच्छा, वो कहता है लिखने से पहले किया करें, चले जस्ट इसके ऊपर आ चुके। अच्छा, इसके ऊपर जस्ट यही अप्लाई हुआ, कंट्रोल जी करें। चले, अब यहाँ पे ऊपर हमने क्या करना है, एक और रो हमें चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इंसर्ट करवा लेती हूँ इंटायर रो, ठीक है। इसमें मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे यहां से लेके यहां तक मैं लिख देती हूँ, मर्ज करके अटेंडेंस शीट फॉर अ मंथ, ठीक है, अटेंडेंस शीट अच्छा, इसको मर्ज नहीं किया था हमने, ओके दोबारा से हम पकड़े, यहाँ पे आके इसको करें मर्ज एंड देन लिखें, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अटेंडेंस शीट, चले अटेंडेंस शीट कर दें, ठीक है। किस मंथ के लिए, हम यहाँ पे आके क्या करते हैं, फॉर्म में जाएं, यहाँ पर आके हम इसको कलर दे देते हैं, ये वाला, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं, इसको पकड़ के यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं मर्ज सेंटर करने के बाद कि कौन से मंथ की कर रहे हैं, ठीक है। हम कर रहे हैं यहाँ पे जनवरी की, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, इसको फॉर्मेट कर सकते हो, और यहाँ पे कलर करके आप इसको फिल कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके। तो इसका कलर जो है वो आप ये इस तरह से कोई भी दे सकते हैं, ठीक हो गया।
अब यहाँ से हमने क्या करना है, अब हमने बनानी है अटेंडेंस शीट। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको मजीद आप लोगों ने क्या करना है, बोल्ड कर लेना है, ठीक है, यहाँ से पकड़ कंट्रोल बी, ठीक है। साइज आपने बड़ा करना है तो साइज भी आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपने मंथ की भी कर लेनी है। और अगर आप ये चीज जो है वो बनाना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो, सिलेक्ट करके वो आप बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डेट। अब यहाँ पे इम्प्लॉय आईडी, ठीक है, ये ईद ना समझ लेना इसको, इम्प्लॉय आईडी है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जस्ट सिंपल एक नंबर इंटर करते हैं और इसको ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे 10-20 लोगों का बना रही हूँ, तो यहाँ पर आके आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो सीरीज, और यहाँ पे आके आप कर सकते हो, यहाँ पे 20 लोगों का आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज मैंने सिलेक्ट किया 20 तक। उसके बाद यहाँ पे नेम लिख लें आप, अली अहमद आयशा फातिमा। चलें मैं क्या करती हूँ, फातिमा को यहाँ से ड्रैग कर लेती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे इम्प्लॉयर के नेम। अब इनके डेजिग्नेशन क्या है, ये किस किस पोस्ट पे काम करता है, तो ये हम कर लेते हैं, ये कोई डिजाइनर है, ठीक है, खुद से लगा सकते हो कौन सा डिजाइनर है ये। और इसके बाद ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है मैनेजर, और ये हमारे पास क्या है, वेटर, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी लिख लें डेजिग्नेशन उसकी, और यहां से मैं क्या कर रही हूँ, इनको ड्रैग कर रही हूँ, यहां से एक और कर लें, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, प्रेजेंट के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, पी यूज कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल यूज कर लें या स्मॉल यूज करना है, स्मॉल यूज कर लें। कैपिटल करना है तो यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन कर लें, कैपिटल कर लें, ठीक है। और अली जो है ये संडे को प्रेजेंट था, हमने लीव के लिए एल यूज करना है, अब्सेंट के लिए ए यूज करना है, हाफ डे के लिए एच यूज करना है। हाफ डे लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी है, ठीक है, हाफ डे रहने देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पी कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखना नहीं चाह रही टाइम सेविंग के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको ड्रैग कर लेती हूँ, यहाँ से पकड़ के जितने मुझे चाहिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ तक इसको ड्रैग कर लिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगी, पूरी जो शीट है उसके ऊपर मैं लगाना चाह रही हूँ, तो यहाँ से इसको क्या करें, इसको सिलेक्ट किया। चलें दोबारा से हम करते हैं, यहां से पकड़ें, पहले इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद पूरे पे आप क्या कर लें, ड्रैग कर लें, ठीक है। यहां तक हमने इसको सिलेक्ट किया, और यहां से ये देखें, ये जो प्लस है ये बिल्कुल आप यहाँ पे आके जितने आपने लेने हैं, 20 तक था हमारा, यहां से हमने देखना है, तो यहाँ पे ये आपकी शीट जो है यहाँ तक ये बन चुकी है। अच्छा अब देखें ये सब में शो करवा रहा है, ठीक है। मैंने तो टेम्परेरी यहाँ पे बनाई है ना, लेकिन अटेंडेंस जो लगाएंगे वो तो खुद ही लगाएंगे ना, वो तो हम इस तरह से नहीं बनाएंगे। एंड पे जो इनकी कितने प्रेजेंट है, कितने एबसेंट है, कितने की लीव है, उसके ऊपर हम यहाँ पे फार्मूलाज लगाएंगे, वो यहाँ पे हमें काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए पूरे मंथ की पूरे स्टाफ ने, यहाँ पे ये स्टाफ है, ठीक है, यू समझ लें, वेटर ना करें इसको, इसको हम क्या करते हैं, स्टाफ कर लेते हैं। पूरे स्टाफ ने क्या किया, यहाँ पे पूरे मंथ की अटेंडेंस लगा ली है। अब यहां से पकड़ के स्टाफ को इसके ऊपर ओवरराइट कर दी मैंने। अच्छा नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, देखना है अब बीच बीच में इसमें ना, आप जैसे कि ये यहाँ पे क्या था, एब्सेंट है, कैपिटल लगाया था जी, कैपिटल लगाया था, ये यहाँ पे एब्सेंट है, इसके यहाँ पे क्या है, लीव है, इसके यहाँ पे क्या है, अब्सेंट है, इसके यहाँ पे क्या है, लीव है। प्रेजेंट ऑलरेडी हमने किए हुए है ना, ये अब्सेंट है, यहाँ पे इसको कर दें, इसकी लीव है, ये अब्सेंट है, ये इसकी लीव है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि
यहाँ पे हमने देखना है कि टोटल कितने दिन है। यहाँ पर लिखेंगे टोटल, टोटल डेज, ठीक है, टोटल डेज कितने हैं। तो ये मेरे पास आ जाएंगे टोटल डेज। अब यहां से पकड़ के आप इसको कर सकते हो, ठीक है। टोटल डेज कितने हैं वो यहाँ पे हम निकालेंगे, और हमने निकालना है कितने प्रेजेंट हैं, कितने प्रेजेंट है वो हम निकालेंगे, और कितने अब्सेंट हैं, ठीक है, और कितने की लीव है, ये हमने निकाला। यहाँ पे हम फॉर्मूला सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, टोटल डेज निकालने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि इसमें इस महीने में टोटल कितने दिन है। तो इस महीने में टोटल कितने दिन है, हमने इक्वल काउंट ए फार्मूला लगाना है। काउंट आप इसको बोलते हैं, काउंट ए, ठीक है। ये देखिए काउंट ए फार्मूला, यहाँ पे हमने टैब प्रेस कर दी। वैल्यू 1, वैल्यू 2, इसका मतलब ये है कि आपने किस नंबर से स्टार्ट किया। मतलब कि मैंने यकम डेट से, फर्स्ट डेट से स्टार्ट किया और मुझे 31 तक चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इधर से देखेंगे कि ये किस कॉलम पे और किस रो पे है, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास है 1, किस पे है, डी पे, और ये रो कौन सी है, 3। D3 से लेकर लास्ट पे हमने देखना है, ये हमारे पास है AH3, ठीक है। D3 लिखें, D3 से लेके AH3 तक। गलत काउंट किया हमने, दोबारा से देखें फॉर्मूलाज पे। मैम यहाँ पे AH कैपिटल आएगा तो डी थ्री शायद से ठीक रहे। लेके AH3, फॉर्मूला तो ठीक है। अच्छा, एक और तरीका भी होता है इसको करने का, यहाँ पर देखें, D3 से लेकर, ये हम यहाँ पे काउंट करेंगे ये, और यहां से करेंगे ये, है तो ये ठीक, D3 से लेके, चलिए दोबारा देखते हैं, ऐसा कर लेते हैं। यहां तक सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मूला तो ठीक लिखा हुआ है, थोड़ा मैम 4 पे नहीं आएगा, D4 से पे। देखें। ठीक है, क्या करना था, कॉमा की जगह पे हमने क्या मिस्टेक कर रहे थे, कॉमा की जगह पे हम सेमी कॉलन की जगह पे हम कॉमा लगा रहे थे। इस तरह की छोटी मिस्टेक से फॉर्मूला जो है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देखें मैंने क्या किया है, इक्वल काउंट ए, ठीक है, D3 से लेके AH3 तक करना है। यहाँ पे दरमियान में क्या लगाया था, कॉमा, जिसकी वजह से ये अप्लाई नहीं हो रहा था। अब टोटल डेज हमारे पास क्या है, 31 है, तो यहाँ पे आप ड्रैग कर सकते हो, ठीक है, 31 हमारे पास टोटल डेज है, या एक ही दफा लिख लें तो वो भी काफी है। अब यहाँ पे हमने कितने निकालने हैं, प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल, हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे काउंट इफ का, ठीक है, काउंट इफ का फार्मूला हमने यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पे हमने रेंज देनी है, रेंज हमने वही देनी है जो हमने टोटल डेज में रेंज दी थी। तो क्या रेंज दी थी हमने, हम यहाँ से दोबारा से देख सकते हैं। अच्छा नहीं, करें यहाँ पे रेंज लिखें D3 से, क्या रेंज थी, D3 से AH3 तक, AH3 तक रेंज है। उसके बाद कॉमा के बाद क्राइटेरिया इसका क्या है, क्राइटेरिया से मुराद ये है कि हम यहाँ पे प्रेजेंट चेक करना चाहते हैं ना, कितने प्रेजेंट है। तो इन्वर्टेड कॉमा में प्रेजेंट के लिए आप कौन से यहाँ पे की का इस्तेमाल कर रहे हो, कौन से करेक्टर यूज कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे ये पी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और यहाँ पे पी लिखने के बाद इंटर प्रेस कर दें। ये फिर कह रहा है कि आपका जो है, दोबारा से देखिए हमारे फार्मूला में क्या मिस्टेक है, D3 से H3 तक, तो क्राइटेरिया तो हमने ठीक दिया बिल्कुल, और ये भी हमारी ठीक है, रेंज भी ठीक है D3 से। ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपने ध्यान में रखनी है, एक दफा ये ठीक अप्लाई हो गया तो ये सारे पे ठीक अप्लाई होगा। तो ये हमारे पास है D3 नहीं D4 है, ठीक है, मिस्टेक का पता चल गया आपको कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, D3 कर रहे थे, जबकि D3 में तो जस्ट डेट्स हैं, हमने प्रेजेंट काउंट करना है। तो प्रेजेंट जो है वो रोल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे उसने कोई रिजल्ट शो नहीं करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमने, जल्दी से बताएं मुझे,
कोई बोल के बता सकता है, कोई मैसेज करके बता सकता है, लेकिन आप तो वैसे ही, जैसे आपको मैं क्या कहूँ, D4, और डी यहाँ पे फोर हम क्या से करेंगे, AH4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर्सर ला के क्या करो, इंटर करो, तो हमारे कितने प्रेजेंट हैं, 29 प्रेजेंट हैं। इसी तरह से हम इसको ड्रैग करेंगे और टोटल में जितने भी हमारे पास यहाँ पे स्टाफ है उनकी एक यहाँ पे टेंडर शीट आ जाएगी एंड पे, कितने एंड पे प्रेजेंट थे, कितने एबसेंट हैं, कितने की लीव है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एबसेंट कितने हैं, ठीक है, हमने ये काउंट करना है एबसेंट कितने हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इक्वल वही फार्मूला हम लगाएंगे काउंट इफ, लेकिन यहाँ पे हम एक और चेंज करेंगे, वो क्या है कि यहाँ पे हमने रेंज तो वही लगानी है, D4, ठीक है, सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन, D4 के बाद हमारे पास ये कहाँ तक जा रहा है, AH4 तक जा रहा है, ठीक है, AH4 तक जा रहा है, AH4 तक हम यहाँ पर करेंगे। और क्राइटेरिया हमारा क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में एब्सेंट के लिए मैंने कौन सा यहाँ पे यूज किया है करेक्टर, मैंने एब्सेंट के लिए यूज किया है ए, तो ये मैं करने के बाद कर दूंगी इंटर, तो एक ही एब्सेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और ड्रैग करते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक एक मोस्टली एक एब्सेंट है, इसमें कोई भी एब्सेंट नहीं है, ठीक मैम जी, ये लास्ट हो वाले गया। में प्रेजेंट उसके बाद क्यों नेक्स्ट आ रहा है? लीव कितनों की है, तो यहाँ पे फार्मूला लगाना है लीव के लिए, इक्वल प्रेस करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट इफ फार्मूला लगाएंगे, सेम वही प्रोसीजर, यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे पहले उसकी रेंज, रेंज क्या है हमारे पास, D4 से लेके AH4 तक, और हमारा क्राइटेरिया क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में लीव के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एल यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्टेड कॉमा में दे देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे लीव कितनी है, एक की लीव है। और यहां से पकड़ के क्या कर लेंगे, सिंपल वही काम हम रिपीट करेंगे, यहां से पकड़ने के बाद यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास ये जनवरी की अटेंडेंस शीट जो है वो बन चुकी है। अगर किसी को समझ ना आई हो तो कोई स्टूडेंट जो है जिसको समझ नहीं आई वो जरा पूछ ले, ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ऐसे ही देखती हूँ, ऐसे बोलने की इजाजत है आपको, मैं बोल रही थी मैम, शायद आवाज नहीं जा प्रेजेंट रही। वाले में लास्ट पे 0 क्यों आ रहा है, अच्छा कहाँ पे, जरा मुझे दोबारा बताएं, जहाँ पे टोटल लास्ट पे, देख 31 है ना, 31 के साथ जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइंड किए हैं। ये जी यही पूछ रही हूँ। फॉर्मूला तो इसके ऊपर अप्लाई है, कितने इसमें प्रेजेंट है, अच्छा ये हमारे पास क्या है, D21 और H21, क्राइटेरिया तो ठीक है। अच्छा ये लास्ट खाली है ना, इसलिए लास्ट पे तो है ही नहीं कुछ, ये देखें आया नजर, क्रम कबूल, जी मैम, नजर तो आ रहा है, लेकिन ये लास्ट वाले से ऊपर वाला नहीं है ये? ये लास्ट वाला इसको शो करवा रहा है, अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। ये है 20, ठीक है, यहाँ पे 21 आ रहा है, हम यहाँ पे कर देते हैं 20, ठीक है। अगर कोई इस तरह से आ रहा हो तो यहाँ पे आप सिंपली कर दें, अच्छा यहाँ पे सिलेक्शन में कोई आ गया, इस चीज को यहाँ से हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो उसके कॉलम में कोई मिस्टेक आ गई होगी फॉर्मूले में,
ठीक है, अब ये हमारा हो चुका है। वहां पे कॉलम चेक कर लिया करें, अगर कोई लग रहा हो कि मिस्टेक है, यहाँ पे क्लिक करके देख रहे हैं किस कॉलम का वो शो करवा रहा है। अच्छा, ये मैंने यहां तक सिलेक्ट किया था। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछें। किसी को ये चीज समझ आ गई है कि हमने ये वाली जो ये डेट कैसे ली है, और हर डेट पे उसका जो वीक डे है वो कैसे आया है? ठीक है, अब जरा अपनी असाइनमेंट सुन लें, आप लोगों ने क्या करके आना है। कल आपको एक नई चीज बताऊंगी, आगे समझ। गुड, अब आपने क्या करके आना है, ये मैंने शीट बनाई है किस मंथ की, जनवरी की। आप लोगों ने क्या करके आना है, इस तरह से यहाँ पे, ये मैंने डबल क्लिक करती हूँ, यहाँ पे क्या लिख दें, जनवरी, ठीक है, 2023 की बना रहे हैं। आप लोगों ने क्या करना है, ये शीट 2024 की बनानी है, ठीक है। तो डमी आप ले सकते हो, ये नेम डेजिग्नेशन। आपने क्या करनी है कि यहाँ पे प्लस ऐड करके यहाँ पे आपने फरवरी की बनानी है, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, फेब, ठीक है। इस तरह से प्लस करके आपने यहाँ पर क्या लिखना है, मार्च। इस तरह से पूरे साल की आपने यहाँ पे लिस्ट बनानी है, ये शीट बनानी है, 12 शीट्स होंगी। हर शीट पे आपने क्या करना है, नेम जो है उनका चेंज कर देना है, 2024 की बनानी है, ठीक है। इसी तरह से उसमें कितने प्रेजेंट हैं, कितने ये हैं, ये सारी चीजें आपकी कल तक ये आप लोगों ने मुझे से सबमिट करवानी है। जब ये सबमिट करवाएंगे तो उसके बाद आपको एक और प्रोजेक्ट दिया जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होगा। ये बेसिक है टेंडर शीट्स की, ठीक है। वो एक पूरा प्रोजेक्ट होगा टेंडर शीट का, कि हम हमारे पास एक पूरा इस तरह से आएगा कंट्रोल पैनल जिसको कहते हैं टेंडर शीट का, उसके ऊपर बॉक्स बने होंगे, जनवरी है, फरवरी है, अप्रैल है, मार्च, जो भी है। तो हम उन बॉक्स पे क्लिक करेंगे, जनवरी पे चले जाएंगे, दूसरे फरवरी पे करेंगे तो फरवरी पे चले जाएंगे। इसी तरह से हम जो है पूरा एक कंट्रोल पैनल बनाएंगे इसका, कि एक टेंडर शीट जो है वो कैसे हम बना सकते हैं, और उनको आपस में लिंक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप लोग ये बनाएं, जब ये बना चुके होंगे फिर हम वो बनाएंगे, तो आपको जल्दी समझ जाएगी, ठीक है। बात समझ आई है? हाँ जी, जी मैम आ गई है। कितने लोग प्रेजेंट हैं आज? 7, 6 होंगे आपको मिला के 7। 6 लोग प्रेजेंट हैं। अच्छा, हाँ जी, नबीला कमल, आपको समझ आई है? अनम्यूट करके बताएं। ओ सॉरी, मेरी ना एंट्री कहाँ गई है। हाँ जी, अनम्यूट करें, मैं देखना चाह रही हूँ आवाज आ रही है या नहीं। हाँ जी बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही। यस मैम, मुझे लगता है एक मिनट। हाँ जी, अब मैंने हैंड फ्री लगाई है, आप बोले। जी मैम आइए, इंटरेस्टिंग लगा लेक्चर आज का ये? नहीं, जी मैम इंटरेस्टिंग लगा वो, पहले भी मैं बोलती रही, शायद आपको आवाज नहीं जा रही थी इसलिए फिर नहीं मैंने वो टेक्स्ट ना, अच्छा नहीं वो ना, यहाँ पे हैंड फ्री अटैच नहीं थी, मैं ऐसे ही सुन रही थी। इसी। अच्छा, और बिलाल आपको कोई प्रॉब्लम हो, लेट आए हो आज? जी मैम, मेरी तबीयत खराब थोड़ी सी, इसलिए लेट है जी। अच्छा, मौसम की वजह से। चलिए ठीक है, आप लोगों ने ये असाइनमेंट कल तक मुझे जमा करवानी है, और मुझे बताएं कि पहले किस बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई, बस वो बताया जिसने नहीं करवाई। सबने करवा दी है? मैम मेरी रहती है सारी, मैं वो करवा दूंगा। चलिए ठीक है, ये जो असाइनमेंट मैं अब दे रही हूँ ना, इसको साथ साथ कर लें, तो नेक्स्ट जो कल ही इंशाल्लाह मैं कल लाजमी क्लास दूंगी, नेक्स्ट आपको इस पे एक कंप्लीट अटेंडेंस शीट का प्रोजेक्ट जो है मैं आपको सिखाऊंगी। तो ये अटेंडेंस शीट के प्रोजेक्ट जो है इस तरह से लोग करवाते होते हैं ऑनलाइन काम भी, तो ये चीज़ आप लोग सीख लें। उसके बाद और भी आस्ता आस्ता बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी।
अभी तो हमने यूट्यूब वाला वो भी स्टार्ट करना है, वो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। अभी ये कंप्लीट हो जाए ना, इसके 4-5 प्रोजेक्ट्स आप बना लें। चलें ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।